बरेली के थाना बारदरी क्षेत्र में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि थाना क्षेत्र में ये एक महीने में तीसरी हत्या का मामला सामने आया है। थाना बारदरी क्षेत्र के गंगापुर के रहने वाले शिवम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय पप्पू गुप्ता की देर रात गंगापुर के पास नागपंचमी ग्राउंड में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा मनोज, ये जो खत्म हुए कौन है भैया? क्या नाम है इनका? शुभम कहते हैं, चैंपियन नाम है। क्या हुआ, किसने हत्या की? इनसे पता नहीं चला, मुझे फोन करके बुलाया, मैं सामने लेने गया तो भैया लाश पड़ी है, मैं मैदान में गया, ये हुआ जे बताया मेरे लिए। कहां गोली लगी थी? देखा यहां पड़ी है मैदान में, मेला ग्राउंड में। गोली कहां लगी है? ये पड़ी है सर पे। किसी से वो रंजित वगैरह जैसे जब तो पढ़ रहे चलिए सुनने में आ रहे संग वाले लौंडे संग में दे, ये कोई पता नहीं चल गया। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगापुर के ही हैं। काम क्या करते थे ये? पैकिंग के, पैकिंग घर खाली का। कितने बजे की बात है लगभग? ऐसी बात है, बोला बोले जी कहने रात में मारा वारा, ये पानी 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 भरते थे तब मारा है। आप लोग किस टाइम? मुझे 6 बजे सुबह 6 बजे फोन आया संग वाले का, तो मैं वैसे ही गया। क्या लगता है किसी को कोई शक? अभी तो सर नहीं है, अभी तो पता चलेगा, अभी कोई बताया नहीं है अभी तो। आज दिनांक 28 जुलाई 2023 को थाना बारादी के गंगापुर इलाके में एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस शव की शिनाख्त शिवम गुप्ता निवासी कालीबाड़ी थाना बारादरी के रूप में हुई है। शव को पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया इस व्यक्ति की हत्या सर में गोली लगने की वजह से हुई है। हत्या के कारणों की जानकारी की जा रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा।